किसी प्लानेट या ग्रह पर यदि 600 अमीनो अम्ल, विटामिन अम्ल कितने हो, 600 हो, कोई भी ग्रह मान लिया हमने, ठीक है, मंगल या बुध जो भी आपको अच्छा हो, हमने वहां क्या माना कि सर उस ग्रह पर कितने अमीनो अम्ल है, 600 है, और हमने ये भी मान लिया कि वहां पे पांच क्या है आपके न्यूक्लियोटाइड है, क्या कितने हैं, पांच न्यूक्लियोटाइड है। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि सर इनमें क्या बनेंगे, आनुवंशिक कूट बनेंगे, तो वो कैसे बनेंगे, इनके जो जेनेटिक कोडोन्स बनेंगे, इनके जो जेनेटिक कोडोन्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, बताओ तुम लोग मुझे, सोच के बताओ, या आप लोग इस पे कमेंट करो कि सर यहाँ वो दो दो के फॉर्म में मिलेंगे, तीन तीन के फॉर्म में मिलेंगे, या चार चार के फॉर्म में मिलेंगे, ये आपको पता करना है, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, अब मैं आपको आगे इसको बताता हूँ, ठीक है बेटा। देखो हमें करना क्या है, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है आपको करना क्या है, पहले क्या करो, आप लिखो नंबर, किसके नंबर, आपके न्यूक्लियोटाइड के नंबर लिखो। देखो बेटा यहाँ पे कितने हैं, पांच है, तो पहले हमने यहाँ क्या लिखा, हमने यहाँ बेटा पहले लिखा पांच, ठीक है, ये हमने पांच लिखा, ये आपके पांच क्या है, फर्स्ट राइट नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो यहाँ जो हमारे न्यूक्लियोटाइड हैं हम पहले उनकी संख्या को लिख लेंगे, ठीक है। और हमने अब हमने क्या माना कि सर जो हमारे ये पांच न्यूक्लियोटाइड है ये एक बार एज ए सिंगल मतलब अकेला ही क्या करे, कोडोन का निर्माण करे। तो जो आपने माना नंबर उसको किसमें लगाओ, पावर या घात में लगा दो, तो कहाँ लगाओ बेटा उसको, लगाओ पावर में लगाओ, ठीक है। हमने माना क्या, अपने जो न्यूक्लियोटाइड है ये एक बार में एक का ही कोडिंग करते हैं, तो बेटा कितने बनेंगे इनसे, इनसे बनेंगे पांच कोडोन, और हमें कितने चाहिए, हमें चाहिए 600 अमीनो अम्ल कम से कम चाहिए, तो ये चीज तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब हमने क्या माना कि हमारे जो न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, पांच है, अगर ये कैसे हो, ये दो दो के ग्रुप में हो, कैसे हो बेटा जी, ये हो दो दो के ग्रुप में हो, तो देखना बेटा पांच की पावर दो, पांच की पावर दो इंटू 25, तो बेटा कितना होगा, यहाँ हमें मिले कितने, यहाँ हमें मिलते हैं बेटा जी 25 कोडोन, ठीक है। लेकिन आपको पता है हमें चाहिए कितने, 600, तो ये भी क्या नहीं है, ये भी सही नहीं है, ठीक है। चलो अब हमने क्या अज्यूम किया, हमने अज्यूम किया सर कि यहाँ पे जो हमारे कोडोन है पांच, ये जो हमारे पांच न्यूक्लियोटाइड है ये कैसे हो, ट्रिपलेट के फॉर्म में हो, त्रिक के रूप में हो, तो देखिए देखते हैं 5 की पावर 3 की हमने, ठीक है, तो बेटा ये होगा 125 कोडोन, ये कितना होगा 125 कोडोन, बट हमें कितने चाहिए, 600 कोडोन, तो बेटा जी आपका ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि हमें चाहिए 600 और मिल रहे कितने हैं 125, जो हमारे लिए कोई काम का है ही नहीं। अब हमने क्या किया बेटा, अब हमने किया कि सर क्या पता हो सकता है ये जो कोडोन से ये कैसे हो, चार चार के फॉर्म में हो, ठीक है, तो हमने क्या किया 5 की पावर 4 की, ठीक है, तो 125 × 5 बेटा ये कितना होगा 625, ठीक है, तो यहाँ हमें कितने मिलेंगे कोडोन्स, यहाँ हमें मिलेंगे 625 कोडोन, तो कितने मिलेंगे 625 कोडोन मिलेंगे, जो कि 600 से ज्यादा है, इट मीन्स ये बात सही है। तो हम जिस ग्रह की बात कर रहे हैं सर, इस ग्रह पर कितने अमीनो अम्ल है, 600 अमीनो अम्ल है, और पांच यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोटाइड के क्रम है, अगर हम उनको कैसे उससे कोडोन बनाए कि हमें ये बिल्कुल एग्जैक्टली 600 अमीनो अम्ल मिल जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, उसके लिए हमें चार के रूप में कोडोन का निर्माण करना पड़ेगा, निर्माण करना पड़ेगा। हमने यहां से सिर्फ ये सीखा सर कि अगर आपके पास में जितने भी क्या हो न्यूक्लियोटाइड हो, हम उनका नंबर लिखेंगे और हमें उनसे एक के फॉर्म में, दो के फॉर्म में, या तीन के फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी कोडोन बनाने हैं वो नंबर हम लगाएंगे पावर में। अगर हमें जो नंबर मिला वो अगर आपके अमीनो अम्ल के नंबर के बराबर या उससे ज्यादा है तो अच्छी बात है, और उससे कम है तो मतलब वो हमारा आंसर नहीं होगा। ये इसका क्या है बेटा, इसका बिल्कुल सिंपल सा क्या है, तरीका है, ठीक है।